गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने चाय चढ़ा रखी है। अब मैं जा रही बच्चों का लंच बनाने। टाइमिंग मेरी सुबह का ही हो रहा है। इधर रखूंगी गाइस पास्ता बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज पास्ता ले जाएंगे। एक तरफ मैंने पास्ता रख दिया है और एक तरफ मैंने चाय रख दिया। चाय मेरी खोल गई है गाइस, इसमें जाएगी चीनी। चीनी मैंने डाल दिया, अब पत्ते डालूंगी कलर को। एक चम्मच सहायता से इसको इसमें डालूंगी अदरक जो अदरक मैंने कट कर रखे थे। अब इसको पकने देंगे, तब तक मैं इसमें पास्ता डाल। तो गाइस थोड़ी सी पास्ता और लूंगी, फिर थोड़ा बहुत खाएंगे सारा लेके। तो गाइस देखिए पास्ता, मैं इसको डाल देती हूँ पानी में। ये मैं बन गया, अब इसे पानी खोल रहा है।
शहर का कलर देखे गाइस कितना मस्त आया है। ऐसे पक गया है चार तो गाइस ये रही मेरी चाय। अरे मैंने पास्ता के लिए थोड़े से प्याज काटे हैं क्योंकि ये लोग टमाटर सॉस वाले पास्ता खाते हैं ना, इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। ये वाला तो थोड़ा सा रह गया, खत्म हो गया। ये वाला भी खत्म नहीं है, ये पुराने पैक है, मैंने कहा खत्म कर दूं क्योंकि अभी मैं कल राशन लाई थी तो वो वाले तो अभी मैंने नहीं खोले। क्यों नहीं खोले, मैंने कहा पहले इसको फिनिश करूँ, अगर मैंने खोल दिए तो बच्चे फिर इस पे हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसलिए जो पास्ता में जाएगा जाएगा, शाम को फिंगर से कुछ बना दूंगी तो उससे के साथ है लो खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो गाइस चाय पी के पास्ता बना के फिर आप लोगों से मिलते। तो गाइस मैंने पास्ता बना लिया था और देखिए मैंने थोड़ी सी कढ़ाई में छोड़ी है, मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया। ये दोनों का लंच है, ऊपर वाला सुधांश का, नीचे वाला सिद्धि का। ये देखिए वाटर बोतल भी मैंने भर दिया है, अब इन लोगों को उठाऊंगे, सारा चीज रेडी हो गया, अब बच्चों को उठा के देती हूँ। गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद हम लोग, अब बच्चों के जाने के बाद मिलेंगे आप लोगों से। तो गाइस मैंने ये पार्सल मंगवाया है फ्लिपकार्ट से और मैंने ये सूर्यांश के लिए फुटबॉल मंगवाई है क्योंकि इसकी पहले वाली जो थी वो खराब हो गई थी, तो बच्चे सारे खेलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना अपने बच्चों के पास हो। तो सूर्यांश ही इसकी ओपनिंग कर रहा है और देखिए गाइस कैसा है, अभी देखने के बाद पता चलेगा। तो गाइस कुछ इस प्रकार है, बट इसको क्या है ना, अभी मुझे इसमें हवा डलवानी पड़ेगी क्योंकि वो लोग तो इतना वो करके देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे क्योंकि बहुत ऊंचा हो जाएगा, फिर लाने में उनको पहुंचाने में दिक्कत होती है, हवा तो डलवानी ही पड़ती है, बट मटेरियल अच्छा है। जो भी आया है अच्छा बेटा, उसमें एक होगा ना छोटा सा रिपीट थी, वो यहाँ लगेगी आपको, नहीं बोल सा नहीं था, यहाँ लगना था उसको। तो गाइस देखिए कुछ इस प्रकार है, चलो फिर दिखाते हैं आपको। अभी तो एक ही मंगवाया मैंने, वैसे और भी ऑर्डर कर रखा, जैसे जैसे आएगा मैं दिखाती हूँ। तो गाइस ये हम लोग की चाय है शाम वाले, सिद्धि गई है ट्यूशन हमारी और बेटे की है और शाम को बज रहे हैं 5:10, आप लोग देखिए। और बाकी अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अब हम चाय पीने जा रहे हैं और बाकी सब ठीक है, दिखाते हैं शाम को क्या रेसिपी बनाते हैं। सुबह का तो मैंने जो भी था दिखा दिया है, आज तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट है, सुबह 5 बजे से देखते हैं, चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं गाइस। तो गाइस मैं जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी बनाने, ये मतलब 7:30 हो रहा है इस टाइम, शाम का 7:30 हो रहा है, मैंने पूजा उजा कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, जिसमें मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी अपने तरीके से। तो देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कोशिश करिएगा बनाने की। तो गाइज मैंने 5 तो बैंगन लिए हैं, देखिए बैंगन बिना पानी के अगर आप काट रहे हो तो वो काला भी पड़ जाता है बट उसमें तीखापन आ जाता है, इसलिए कभी भी बैंगन काटो तो उसको पानी में डिप करके ही काटो,
और इधर मैंने लिया है 3 आलू 2 प्याज 1 लहसुन के पोती 3-4 हरी मिर्च ली है। और इसको सब कट कर लेते हैं गाइस, तो फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं किचन में। तो ठीक है गाइस, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इसमें ही जीरा डाली हूँ, हींग डालूंगी क्योंकि बैंगन थोड़ा सा बादी होता है। ये सब डालने से क्या होगा, थोड़ा सा फिर इसमें डालूंगी तो कम इसको हल्का सा सोते होने तक भून लेंगे। इसमें लहसुन कंपल्सरी है गाइस, लहसुन जरूर डालना क्योंकि बैंगन की सब्जी में लहसुन, हींग, जीरा ये सब कंपल्सरी है। नहीं डालोगे तो टेस्ट तो बाद की बात है, नुकसान बहुत करता है, बाद ही होता है। इसलिए जो है अब इसमें जाएगा नाम बात हो जाएगा, बहुत थोड़ी सी देखने में डाल दें। इसमें जाएगा धनिया पाउडर, इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, अच्छी खासी हल्दी पाउडर, इसमें जाएगा किचन किंग मसाला गाइस, देखिए दिख रहा होगा आपको किचन किंग मसाला। एक चम्मच यही मसाले इसमें, अब इसमें डालूंगी टमाटर, इसमें
चार मिनट बैगन भून गया गाइस। अब इसमें जाएगा आलू, आलू जाएगा और नमक जाएगा। जिस स्वाद में आप खाते हो उसी स्वाद में नमक अपना ऐड कर दो। ज्यादा खाते हो ज्यादा कर दो, कम खाते हो तो कम कर दो। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए सीम आंच पर ढक देंगे और फिर उसके बाद इसको एक बार खोल के देख लेंगे कितने में पक। तो गाइस देखिए मेरी सब्जी कुछ इस प्रकार बनी है और बताइए कैसी बनी है। अब यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में। गुड नाइट गाइस और ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए गाइस। गुड नाइट।